आप सबका अभिनंदन और स्वागत मैं अनुराधा शारदा। आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे सराहे उन पर अपने कमेंट्स और अपने सुझाव लिखे आज हम राहु पर राहु के जो गोचर है मृतरा में ही राहु जो गोचर कर रहा है जेमिनी से टॉरस में तो उसके बारे में हम बात करेंगे मैंने केतु के गोचर की जो धनु राशि से वृश्चिक राशि में हुई उसके बारे में पहले एक वीडियो बना लिया था क्योंकि उसका जो इंपैक्ट हमारे लाइफ पर है वो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि न केवल राशि परिवर्तन तत्व परिवर्तन नक्षत्र परिवर्तन बट जो केतु है वो मूल से गंधांत से भी गुजरेंगे तो उनका जो हमारे चार्ट पर जो असर है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा लेकिन राहु का भी जो असर है वो कम इम्पैक्टफुल नहीं होगा ये हम देखें क्यों सबसे पहले इसके लिए हमें मृग नक्ष नक्षत्र के बारे में जानना चाहिए मृग नक्षत्र जो है वो उसके यदि हम केवल सिंबल पर बात करें तो उसका जो चिन्ह है वो एक मृग के रूप में है और उसके सर के का को दर्शाता है अब मृग उसके बारे में हम जानते हैं कि जो मृग होते हैं वो बहुत ही चंचल प्रकृति के होते हैं कहीं भी एक जगह टिक कर बैठना या किसी भी स्थायी रूप से कोई भी कार्य करना उनके प्रवृत्ति में नहीं होता वो घूमते फिरते रहते हैं बहुत बहुत चंचल होते हैं तो उनकी ऐसी प्रवृत्ति और साथ ही जब हम आ, मिथुन राशि के बारे में बात कर रहे होते हैं तो द्विस्व की राशि भी होती है और एक वायु तत्व है उस राशि का और बुद्ध जो इनके स्वामी है वो भी बहुत चंचल है इन सब को बात ध्यान में रखते हुए यहाँ राहु राहु और राहु स्वयं कहा जाता है कि राहु का जो तत्व है वो वायु तत्व है या वो एरी, आ, माना जाता है, धुआं के धुएं के रूप में माना जाता है तो कहीं भी कोई भी स्टेबिलिटी कोई स्थिरता नहीं है उस को नक्षत्र में न राहु में और न ही राशि में इस कारण से वहां की जो 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 राहु का भी गोचर हुआ था या हो रहा है उस नक्षत्र में वो और उस राशि में वो मनुष्य को थोड़ा सा डिसलोकेट करता है डिसोरियंट करता है और आ, कोई भी डिसीजन वो लेने से पहले व्यक्ति बहुत एक तरह से कंफ्यूज रहता है और अपने बारे में भी नहीं ज्यादा सोच पाता यहाँ जब हम राहु का मृक्षर वृषभ राशि में बात करेंगे तो वृषभ राशि एक फिक्स्ड साइन है साथ ही ये एक पृथ्वी तत्व है और शुक्र जो है वो जल तत्व भी है साथ ही शुक्र जो है वो एक देव गुरु होने के साथ साथ बहुत ही उनका मन और उनकी बुद्धि मानी गई है तो राहु क्योंकि वायु तत्व है यहां इनका मेल जो है बहुत सुंदर होगा और मनुष्य सोच विचार कर कोई सार्थक कार्य करने में बहुत सक्षम होगा फिर आपकी दृश्य आपका ध्यान एक बार फिर मैं मृगशिर की ओर लेके जाती हूँ ये जो हिमालय में जो मृग पाए जाते हैं जिसको कस्तूरी मृग बोलते हैं वो मृग उसकी एक खासियत है खासकर जो अम, नर मृग है उनकी एक खासियत है कि उनकी नाभी में एक ऐसा एक ऐसी वस्तु होती है जो कि सुगंध फैलाती है उसको इंग्लिश में मस्क बोलते हैं और वो उस वो सुगंध से स्वयं उन्मादित होकर वो मृग जो है उस सुगंध के अः का का जो है उसकी खोज में लगा रहता है जैसे जैसे वो मच्योर होता है यदि उसको ये समझ में आए कि वो जो है वो स्वयं खुद है तो उसके जीवन में बहुत सारी जो उसकी जो आपदा है जो वो वो बहुत अच्छे से उन सब को क्रॉस कर सकता है तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए एकदम हमारे अः को याद होनी चाहिए और उसके लिए मैं आपको एक सुंदर दो एग्जाम्पल दिखाना चाहती हूँ ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं वो दो अलग अलग व्यक्तियों के हैं और एक जो वैन विंस हैं वो बहुत ही रेनेसा पीरियड के बहुत ही नामी पेंटर है लेकिन इन्होंने जो अपनी ख्याति पाई नाम पाया वो बहुत प्रांत पाया इनफैक्ट बहुत सालों बाद लोगों ने इनकी पेंटिंग्स को पहचाना और लोगों ने इस इन पेंटिंग्स को वैल्यू करना शुरू किया। जिसके कारण आज उनकी पेंटिंग्स करोड़ों रुपयों में या डॉलर्स में बिकती हैं। अपने जीवन काल में उन्होंने बाहर तरफ ही देखा लोगों से अप्रिसिएशन कि लोग उनको अप्रिसिएट करें उनके आर्ट को सराहाए ये उन्होंने लोगों से अपेक्षा रखी जिसके कारण उनको बहुत तकलीफ हुई जब लोगों ने उस उनको वो स्तर नहीं दिया और कहा जाता है कि उन्होंने सुसाइड किया था और ये भी हुआ था कि वो जब मरे तब उनके पास पैसे नहीं थे दरिद्रता में उनका देहांत हुआ और आज उन्हीं की पेंटिंग्स लोग अरबों रुपयों में बेचते करते हैं तो उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं था वो दूसरों पर विश्वास कर रहे थे निरंतर अपने पेंटिंग स्टाइल्स में भी परिवर्तन ला रहे थे लेकिन कहीं स्थाई उनको ठिकाना नहीं मिल रहा था अब हम आगे बढ़ते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन की का चार्ट लेते हैं आ, बहुत गरीबी इन्होंने भी देखी जीवन में लेकिन एक बहुत बड़े स्टार अब हैं और लोगों में इनकी मान्यता बहुत ज्यादा है बचपन में इन्होंने न केवल गरीबी देखी लेकिन हेल्थ इश्यूज भी इनको बहुत हुए लेकिन उनमें एक विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ स्थिरता उन्होंने अपने जीवन में लाई और अपने आत्मविश्वास और अपने ईश्वर पर उन्होंने विश्वास रखकर जब काम करना शुरू किया तो आज के डेट में हॉलीवुड के वो जाने माने और उच्च कोट टी के जो एक्शन हीरो है उनमें इनका नाम लिया जाता है बात अब बस इतनी सी है कि जब हम नक्षत्र में कोई भी प्लानिट यहाँ हम राहु की बात कर रहे हैं ट्रांजिट करता है या होता है तो मनुष्य को अपने अंदर का आत्मबल जगाना चाहिए अपने मन स्थिति को स्थिर करनी चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए चाहे वो क्योंकि अब हमें ये सूत्र मालूम पड़ गया है तो चाहे वो कोई भी भाव में हो या कोई भी राशि में हो यदि हम ऐसा करने में संभव रहेंगे तो हमारे जीवन में उन्नति और संपदा आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसी बात को लेकर ध्यान में हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं मेष राशि की ओर मेष रखने वालों के लिए राहु द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं द्वितीय भाव पैसे का भाव संचित धन आपकी शिक्षा का भाव परिवार का भाव खान पान का भाव माना जाता है राहु की ट्रांजिट के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जब केतु का ट्रांजिट होता है तो ये हम देखते हैं कि हम क्या क्या चीज इस जन्म में या पिछले जन्म में अच्छे से कर चुके हैं जान चुके हैं और आगे उनको उन्हीं ऐसी कुछ हमारे उस भाव को लेके उन आ, कलाओं को लेके उन हमारा व्यक्तित्व उस तरह से निखरता है जब राहु की ट्रांजिट हम देख रहे होते हैं तो कुछ कार्य हमारे जो बाकी हैं कुछ शिक्षा जो हमें ग्रहण करनी चाहिए कुछ लेसन्स जो हमको सीखने जरूरी हैं, उस भाव को लेकर और राहु के कुछ कारकत्व को लेकर वो हमें हमारे सामने आते हैं ऐसे कुछ सिचुएशंस हमारे लाइफ में उजागर होकर आते हैं जो हमें ये सिखाते हैं और मृक्षर नक्षत्र में हम उसके आंसर्स बाहर न ढूंढने की बजाय अपने अंदर यदि ढूंढे और अपने आप को सबल करके ढूंढे तो वो आंसर्स हमें मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे तो जब हम मेष लग्न वालों के लिए बात कर रहे थे तो ये ऐसे सिचुएशन हमारे लाइफ में आ सकते हैं जब हमें वित्त की ओर संचित धन की ओर कुछ नया सोर्स उसको ढूंढने की बात हमें सोचना पड़े या हमें ऐसा कुछ सोचना पड़े कि हम अपने परिवार में क्या नूतन लाए हमारे परिवार में कोई नया जुड़ सकता है उसके प्रति और पूरे परिवार में क्या ऐसा नया नूतन बिहेवियर हो जिससे कि उस व्यक्ति को भी एडजस्ट होने में कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारे भी संस्कार हो या, या कुछ कुछ खान पान की रीति हो उसमें भी कुछ नूतनता आए लेकिन वो भाव जो है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए साथ ही आप ऐसी कुछ पढ़ाई भी कर सकते हैं स्पेशली जब गुरु दशम भाव में गोचर करेंगे दिसंबर से और इस राहु को देखेंगे और राहु और गुरु का परस्पर की परस्पर दृष्टि होगी तो ऐसी भी आप कोई पढ़ाई शुरू कर सकते हैं नई जिसके कारण आपको अपने वित्त में बहुत इजाफा हो और आप बहुत सारा धन कमा सके नए दृष्टिकोण को खुला रखें नए करने की दृष्टि खुली रखें लेकिन साथ ही हर तरफ अपना मन न घुमाए एक तरफ स्थायी होकर आगे बढ़ते जाएं। रोहिणी नक्षत्र में जब राहु का आ, गोचर होगा जो हम बाद में इस पर भी वीडियो बनाएंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर फल लाएंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं वृषभ लग्न के लिए वृषभ लग्न वालों के लिए राहु का जो गोचर है वो स्वयं लग्न और सप्तम भाव पर राहु केतु का है ये डेढ़ साल आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन और जीवन को एक तरह से नया रूप देगा नई तरह बदलाव होगा आपको आपके हेल्थ पर आपको अपने मानसिकता पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि राहु कभी कभी आपको अकस्मात ऐसा कुछ करवा दे जो कि आप नहीं करना चाहते हो तो उस बात पर भी आपको ध्यान देना चाहिए आपका लोगों के साथ व्यवहार स्वयं की खोज अच्छी है लेकिन दूसरों के साथ आप अः प्रॉब्लमैटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट न करें ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है फिर स्वयं की खोज भी साधना में करें दूसरे कहीं दूसरों के साथ बाहर घूम के या सैर सपाटे में करेंगे तो आपको केवल एक हाथ आएगी कुछ ठोस नहीं मिलेगा ये मेरा आप के लिए सुझाव है फिर जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं मिथुन राशि वालों ने राहु के गोचर के लिए ये देखा कि उनके जीवन में बहुत उथल पथल आई लेकिन ये भी हो सकता है कि वो उथल पुथिल आपके जीवन को एक डायरेक्शन देते हुए आगे बढ़ी अब ये राहु जब आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहा है तो ये हो सकता है आपको कोई बड़ी संस्था जैसे कोई आश्रम हो हॉस्पिटल हो उन सब से जोड़े और जब राहु आपके द्वादश भाव से गोचर करता है तो आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस के सामने भी आना पड़ता है जहां पर आप अपने ईश्वर के करीब होने का आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इस इस सिचुएशन को इस इवेंट को ऐसे जाया ना होने दे और अपने ईश्वर से सानिध्य का मौका न खोएं फिर आपको हॉस्पिटल से जुड़ने का मौका मिलता है साथ ही आप अपनी यदि तबीत का ध्यान ना रखें तो आप हॉस्पिटल्स भी जा सकते हैं और उन बीमारियों के लिए जिनका कोई शोध नहीं हो या वो पकड़ नहीं आ रही हैं इससे अच्छा आप चैरिटी करें जिससे लोगों का भी भला हो और आप भी और कोरोना के समय में मैं ये कह सकती हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान भी रखें और हो सकता है क्योंकि द्वादश भाव से राहु क्रॉस कर रहा है तो वो आपके वित्त में भी कहीं इश्यूज ला सकता है खर्चे बड़े दिखाई दे सकते हैं तो अपने खर्चों पर ध्यान रखें हो सकता है ऐसे खर्चे हों जो की उस समय जरूरी नजर आए लेकिन समय उपरांत वो फिजूल खर्ची लगे तो एक बार ध्यान से उन खर्चों की ओर देखें और फिर ही कुछ देने का या खर्च, वो खर्च करने की बातें सोचें जब हम कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं तो कर्क राशि के लिए एकादश भाव में राहु का गोचर हो रहा है ये गोचर आपको एकादश भाव जो होता है वो बहुत विस्तृत भाव होता है बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं सबसे पहले हम बड़े से जुड़ सकते हैं बड़े जिनकी आपको खोज है या आ, जिनको आपकी खोज है वैसे ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ सकते हैं और आउट ऑफ बॉक्स थॉट प्रोसेस लीक से बाहर सोचना ये आप यदि आपके मन में है क्योंकि एकादश भाव आपको कुछ नया आविष्कार करने का भी मौका देता है जिसके कारण आप लोक जन में सम्मानित होते हैं और आपके वित्त में भी फायदा होता है तो इन सब बातों को यदि आप ध्यान रखें, तो ऐसा कुछ सोचें ऐसा कुछ उपाय करें या ऐसे अपॉर्चुनिटीज को देखें जिससे आपको बहुत लाभ हो लेकिन जब आप इस लाभ के बारे में बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो अकस्मात बहुत सारा धन आपको यदि मिलता है या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको अम्म तुरंत ग्रैब ना करें उस पर अपना हक न जमाए एक मिनट के लिए सोचें क्या इसमें कुछ ऐसा है जो आगे चल के मुझे परेशानी में डाल सकता है यदि आप ऐसा सोचेंगे तो हो सकता है यदि कोई परेशानी आगे आने वाली हो तो आपके लिए टल सकती है और यदि वो अपॉर्चुनिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जरूर उसको लें और रोहिणी नक्षत्र में हम देखेंगे कि आप उन अपॉर्चुनिटीज के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे जब हम सिंह राशि के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंह राशि के लिए राहु दशम भाव में गोचर कर रहा है ये गोचर आपके लिए आपको जीवन में एक नई दिशा देगा स्पेशली आपके कार्य के लिए आपके प्रोफेशन के लिए लेकिन केवल आपके कार्य प्रोफेशन में ही देगा ये सही नहीं होगा क्योंकि दशम भाव जो है हमारे कर्म का भाव है खाली प्रोफेशन का भाव नहीं है संचित कर्म का भाव है तो हो सकता है जीवन में बहुत सारी बातें आगे आए सामने आए जो कि पिछले उन्नीस साल पहले या अठारह साल पहले आपके जीवन में घटित हुई थी और वो पूर्ण रूप से वो चैप्टर आपका बंद नहीं हुआ था क्लोज नहीं हुआ था तो उस को यदि जब वो अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपने ये उन्नीस सालों में काफी सारे एक्सपीरियंसेस um, से काफी सारी बातें सीखी हैं तो उनका प्रयोग करते हुए उनको ध्यान में रखते हुए जब आप डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक होता है साथ ही ये अत्यंत जरूरी है कि आप स्थायी रूप से आप प्रोफेशनल लाइफ में तो डेफिनेटली चेंज आने वाला है तो क्या प्रोफेशन आपको लेना चाहिए और आप उसमें किस तरह से बढ़ोतरी ला सकते हैं किस तरह से आप उसको आगे लेके जा सकते हैं इन बातों को आप लिख कर यदि आप किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो वो आपके लिए बहुत सुंदर होगा आपको इससे लाभ और हानि इन दोनों का मालूम पड़ेगा और आप इसको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं फिर हम जब कन्या राशि के बारे में देखते हैं तो कन्या राशि वालों के लिए राहु नवम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं नवम भाव जो होता है वो आपके लख का स्थान होता है नवम भाव आपके गुरुजनों का स्थान होता है आपके उच्च शिक्षा का स्थान होता है और कन्या राशि जो है वो एक तरह से अर्थ वाली राशि है तो ऐसा कुछ आप और साथ ही जब हम देखें कि ये जो वृक्ष वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है वो भी अर्थ पढ़ाई और साथ ही परिवार वाली राशि है और राहु जो है वो आपको जैसे मैंने पहले भी कहा लीक से हटकर जानना या सीखने का अवसर देते हैं तो आप ऐसा कुछ सीखें ऐसा हो सकता है आपके लिए जीवन में ऐसे द्वार खुल रहे हो जहां आप कुछ नया सीखें नया जानें जो आगे चलकर आपकी साधना में मदद करेंगे और आपके पर्सनल ग्रोथ में बहुत शुभकारी भी होंगे एक और बात नवम भाव जो होता है वो आपके इष्ट देव का स्थान होता है तो राहु के जो इष्ट देव है वो दुर्गा माता है तो इस अवस्था में जब राहु आपके नवम भाव पर से गोचर गोचर कर रहे हैं तो आप अपने इष्ट देवी दुर्गा माँ या अपने आपके जो भी कुल देवी है उसमें मातृस्वरूप देख कर यदि आप आराधना करते हैं तो आपके लिए ये बहुत लाभदायक होता है आगे बढ़ते हैं तुला लग्न वालों के लिए तुला लग्न वालों के लिए राहु जो है वो अष्टम भाव में गोचर कर रहा है ये गोचर आ, बहुत ही सुंदर गोचर इसके लिए माना जाएगा क्योंकि ये आपके जीवन में हो सकता है कि पहल, चहल चहल पहल पहल लाए लेकिन यदि आप निरंतर दुर्गा जी का पाठ करते रहेंगे और जो भी चहल पहल आपके जीवन में आ रही है या उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनको इस रूप में देखेंगे कि इससे आपके आपके स्वयं में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है और आप बहुत आगे तक जा सकते हैं तो ये जो परिवर्तन है वो आपके लिए लाभदायक होगा और आपको आगे चलकर जब राहु मेष में गोचर करेंगे तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके कारण आप बहुत बड़े हो सकेंगे तो अभी के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपना मनोबल एकदम संभाल के रखें स्थिर रखें और जो भी आपके आसपास हो रहा है उन परिस्थितियों में आप घबराएं नहीं और आप उत्तेजित न हो और दुर्गा जी का ध्यान करते जाएं यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं इनहेरिटेंस इश्यूज को लेकर तो उन इश्यूज को आप सही ढंग से हैंडल करिए है। पैसे की ओर आपका झुकाव न हो और धर्म की ओर कि क्या सही है क्या न्याय है उस पर ध्यान देकर यदि आप डिसीजंस लेंगे तो आगे चलकर ये आपके लिए बहुत सही रहेगा अष्टम भाव हम हाँ, हमारे पति पत्नी या जो भी पार्टनर है उनके परिवार वालों का भी भाव है तो यदि इस समय आप उनसे अपने संबंध अच्छे बनाए रखें और उनके साथ जो आपका प्रारब्ध है उसे उसको हंसते हंसते और काटें तो ये भी आपके लिए एक लेसन लर्न है एंड चैप्टर ओवर जिसे हम कहेंगे होगा अः यदि हम वृश्चिक राशि की ओर चलते हैं लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि ये चार्ट जरूर धनु राशि से बना हुआ है लेकिन बात हम अभी वृश्चिक राशि की ही कर रहे हैं तो वृश्चिक राशि के बारे में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये लग्न पर सप्तम भाव पर राहु आ रहा है सप्तम भाव हमारे पार्टनर्स का भाव है काल पुरुष कुंडली में वृषभ राशि जो है वो वित्त की राशि है और राहु अकस्मात कुछ भी देने के लिए आ, संभव कर सकता है तो ये समय बहुत आपके लिए बहुत सुंदर समय है कि आप अपने पार्टनर्स के साथ सही रहे ताकि उनसे आप धन कमा सकें और एक ऑन अ पर्सनल लेवल आप उनके साथ एक अच्छा परिवार जो है की भी उसका भी नियोजन कर सके साथ ही जब सप्तम भाव में राहु किसी के भी गोचर करता है तो ऐसा गोचर आपको पद प्राप्ति दिलाता है और इससे आपका क्योंकि ये फिक्स्ड साइन है क्योंकि ये वित्त की राशि अर्थात अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत आता है वृश्चिक वृषभ लग्न वृषभ राशि तो हो सकता है कि आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले जीवन में जहां आप बहुत सारा वित्त कमा सकें बहुत फाइनेंशियली आपके लिए सॉलिड टाइम हो सकता है तो उसके लिए आप ये ढूंढें कि कहां से किस सोर्स से आप फाइनेंस में आगे बढ़ सकते हैं वो बहुत आपके लिए लाभदायक होगा फिर आगे बढ़ते हुए हम धनुराशि की ओर चलते हैं हनु राशि वालों के लिए राहु षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं षष्ठम भाव रोग रिपु ऋण का भाव है रुकावटों का भाव है बहुत जरूरी है कि आप अपने अ, मेरा हमेशा ये मानना भी रहा है और मैंने देखा भी है अपने रीडिंग्स में कि षष्ठम भाव रोग का भी भाव है लेकिन साथ ही षष्ठम भाव आपको डिसिप्लिन देता है कि आप अपने शरीर को ध्यान दें और अपने रोग की ओर इस प्रकार ध्यान दें कि आप स्वस्थ बन सके या कुछ नियमों का ऐसा पालन करें कि आप हमेशा स्वस्थ रह सकें तो यदि आप उन नियमों का पालन करते हैं और हो सकता है कि कोई डिफरेंट सेट ऑफ मेडिसिन आप फॉलो करें क्योंकि अभी पैंडमिक का टाइम है ये कोरोना का जो फैला हुआ है जिसके बारे में बहुत कुछ अभी ज्ञान नहीं है तो खासकर धनु लग्न वालों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, रेगुलरली कुछ ऐसा करना चाहिए एक्सरसाइज हो या कोई विटामिन सप्लीमेंट्स हो लेने चाहिए जिसके कारण उनका स्वास्थ्य सही बना रहे फिर रिपू जिसकी बात है तो ष्टम भाव तो रिपू का भाव है ही राहु उन चीजों को और भी बढ़ाता है और आपके सामने उजागर भी करता है लेकिन यह बात याद रखें कि भाव का गोचर राहु का फलदायक इसके लिए भी होता है क्योंकि उपाचय स्थान है जहाँ राहु बहुत कंफर्टेबल है तो आ, आप यदि सूझबूझ पर रिएक्टिव नहीं बने और आ, अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए यदि सोचें और समझें और फिर अपने जो दुश्मन हैं या जिनके साथ आपका कोई झगड़ा या है उनके साथ कार्य करें तो आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी जहां तक ऋण की बात है तो हो सकता है आपके खर्चे बढ़े और आपको ऋण पर कुछ लेना पड़े लेकिन ये स्थिति आप यदि अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा क्योंकि आगे जब राहु रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा तो वो ऋण और बढ़ते जाएंगे इसके लिए ऐसी स्थिति ऐसा कोई काम न करें जैसी ऋण लेने की स्थिति या बने फाइनली हम जब मकर की ओर हम अभी आगे बढ़ते हैं और मकर लग्न वालों के लिए राहु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं ये एक बहुत सुंदर गोचर है यदि मैं ऐसा कह सकती हूँ क्योंकि राहु आपको भिन्न परिस्थितियों से तो लेके जाएंगे ही आपके जीवन में नूतनता तो आएगी ही क्योंकि पंचम भाव आपके पूर्व पुण्य का भाव है और राहु उनको उजागर करते हुए आगे बढ़ेगा तो आपको अपने पुण्यों से बहुत कुछ मिल सकता है लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि उसके लिए आपको कर्मठ बनना पड़ेगा आप न ही प्रविश्यंती न ही सुप्त सिंहस्य मुखे प्रविशंती मृगा अर्थात जो सिंह सो रहा होता है उसके मुख में मृग कभी भी प्रवेश नहीं करता तो उस सिंग को एक्टिवली आगे बढ़कर और अपने किसी के हंटिंग के लिए या शिकार के लिए जाना बहुत जरूरी है तो वैसे ही आपको भी कार्यनिष्ठ होना पड़ेगा और फिर तभी आपका लक भी आपको साथ देगा लेकिन जब हम लक के बारे में बात रहे हैं तो राहु यदि आप कोई भी शॉर्ट टर्म गेन्स या इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं शेयर मार्केट में जिसके कारण आपको छोटे बहुत बहुत कम अल्प समय में ज़्यादा फायदे की बात आप सोच रहे हैं तो राहु शुरू शुरू में आपको फायदा जरूर दिखाएगा लेकिन बाद में अंतिम जो लॉस होगा शायद आप उससे उभर नहीं पाएंगे तो मेरी सलाह आपको यही है कि आप शॉर्ट टर्म गेम्स में नहीं फसे कुछ ऐसा सोचें जो विद्यार्थी गण है कुछ नया पढ़ना चाहते हैं नई शिक्षा लेनी चाहते हैं जिससे कि वो अपने लिए एक सेफ और सिक्योर फ्यूचर क्रिएट कर सकें तो वो बहुत अच्छा सुझाव है क्योंकि जब राहु आपके चतुर्थ भाव में आएगा तो आपके लिए एक नई सिक्योरिटी क्रिएट हो सकती है तो आप उस विषय पर की ओर ध्यान जरूर दें और शॉर्ट टर्म गेन्स पर ज्यादा ध्यान ना दें फिर जब हम आ, कुंभ लग्न वालों के लिए आते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए कहा जाता है कि राहु आपका आ, सहब जो बोलते हैं शनि और राहु दोनों कुंभ लग्न के स्वामी माने गए हैं और आप गोचर के समय हम लग्नेश कहाँ बैठे हैं ये बहुत देखना बहुत जरूरी है चतुर्थ भाव आपके माता का भाव है आपकी सिक्योरिटीज आपकी इमोशनल सिक्योरिटीज का भी भाव है और साथ ही आपके घर परिवार आपके का भी भाव है आपके कोमल जो भावनाएं हैं उनको भी चतुर्भाव से हम देखते हैं ऐसे तो आप बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं क्योंकि एक तो कुंभ लग्न और साथ ही पृथ्वी तत्व चतुर्भाव में तो आपका घर भी बहुत सुंदर होगा लेकिन ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आपके लिए घर परिवार परिवेश को लेके कुछ नए डिसीजंस लेने पड़ेंगे वो डिसीजंस लेते टाइम नेक्स्ट कुछ महीनों के लिए आप स्थिर होकर डिसीजन तो ये राहु बहुत सुंदर समय लेकर आएगा घर परिवार के लिए माता के साथ यदि कोई डिफरेंसेस हैं तो उनको रिजोल्व बहुत अच्छे से करें और माता का आदर करते हुए आगे बढ़े क्योंकि राहु की माता जो सिमह का थी उनका भी राहु बहुत आदर करते थे जिसके कारण माता का आशीष हमेशा उनके साथ रहता था फिर हम आगे बढ़ते हैं आ, फाइनली, हम आगे बढ़ते हैं मीन लग्न वालों के लिए मीन लग्न वालों के लिए भी एक बहुत सुंदर गोचर है क्योंकि तृतीय भाव जो भाव होता है वो आपके पराक्रम का भाव होता है वो आपके भाई बंधुओं का भाव होता है आपके दोस्तों का भी भाव होता है लेकिन आपकी क्रिएटिव टैलेंट्स का भी भाव होता है आपकी वाक्ष्यति का भाव होता है ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है आप किसी के साथ भी कड़वा ना बोलें बुरा ना बोलें ताकि आपके रिश्तों में खटास ना आए इंस्टड आप ये काम करें कि आप अपनी जो आ, जो ऊर्जा है राहु की ऊर्जा है वो आप क्रिएटिविटी में डालें कुछ ऐसी चीजों का सृजन करें और बोल्ड स्टेप्स लें लेकिन सोच समझ के जो आप बोल्ड स्टेप्स लेंगे अपने जीवन को बढ़ाने के लिए और अपने आप को एक उच्च स्तर पर रखने के लिए वो स्टेप्स आगे चल के आपके लिए एक बहुत सुंदर निर्माण नव निर्माण करेंगे तो इन सब बातों को यदि हम जाने इन सब बातों को हम समझें तो राहु का जो गोचर है हमारे लिए शिक्षा प्रद गोचर होगा और यदि हम अपने मन को स्थिर कर सकें हम अपने मन पर एक ठहराव ला सकें तो हम बहुत कुछ जीवन में प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं। इसी बात के साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए हमारा वीडियो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना।